राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्याचिकाओं पर मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि जो कागजात अदालत में पेश किए गए वो मान्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियां खारिज करते हुए कहा है कि लीक हुए दस्तावेज मान्य हैं और उसकी जाँच की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल से जुड़े जो कागजात आए हैं वो सुनवाई का हिस्सा होंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राफेल डील को लेकर अखबार में छपी रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई थी और साथ ही कहा था कि वो चोरी हुए दस्तावेज हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज दस्तावेजों को लेकर सरकार की इन आपत्तियों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद इस मामले की याचिकाकर्ता अरुण शौरी ने कहा है कि राफेल पर सरकार देश को गुमराह कर रही है। आपको बता दें, राफेल डील पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से ठीक लोकसभा चुनाव से एक दिन पहले एक बड़ा झटका लगा है। दस्तावेजों को लेकर सरकार की आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। जी आपको बता दें, राफेल डील पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। राफेल मामले पर अब दोबारा से सुनवाई होगी। राफेल डील पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका बता रहे हैं आपको। दस्तावेजों को लेकर सरकार की आपत्तियां खारिज कर दी गई है। साथ ही कहा कि गोपनीय दस्तावेज सबूत माने जा सकते हैं। राफेल मामले पर अब होगी सुनवाई। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी प्रीत, ये बताएं, लोकसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार को बड़ा झटका कह सकते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा झटका लगा है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, फरमान सुना है, और जिस तरीके से कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि जो भी डील्स की गई हैं केंद्र सरकार ने, खासतौर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश से और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से बातें छुपाई हैं, जो भी क्लॉज लास्ट समय में जोड़े गए हैं, संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, उसकी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई। यही वजह है कि इस तरीके का जो फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और अब केंद्र सरकार के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लगी है जी प्रीति, ये बताएं कि क्योंकि विपक्ष हमेशा एक राफेल मुद्दा ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है और मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी अभी तक सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोबारा से सवालिया निशान पीएम मोदी पर खड़े हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई हैं और कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट को तो स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ये संसद में इस राफेल को लेके कोई भी कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इस डील में किसी भी तरीके की कोई आदेश से छुपाने की बात नहीं की गई है, ये कहा था उन्होंने। लेकिन अब जिस तरीके से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत कांग्रेस पार्टी को मिली है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल के मुद्दे को उठाते आए हैं और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी को एक ये कहा जाए कि एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए पार्टी को एक बड़ी लीड मिल गई है और पार्टी अब जो है कांग्रेस पार्टी राफेल के मुद्दे को भी लोकसभा चुनाव में भुना सकती है। जी प्रीत, क्योंकि कल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान शुरू होना है, तो क्या इस जो फैसला है इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, अंतिम समय में कल पहले चरण के मतदान है, अंतिम समय में ये फैसला आया है और कहीं ना कहीं ये 2-3% जो वोट शेयर है उसको जरूर प्रभावित कर सकता है। जो अलग जो जहां पर चुनाव अभी नहीं होने वहां पर जरूर कैंपेनिंग के जरिए राहुल गांधी खुद इस बात को उठा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को उठा सकती है कि कहीं ना कहीं राफेल डील में गड़बड़ी हुई, देश का सबसे बड़ा घोटाला स्वतंत्रता के बाद बताया है कांग्रेस पार्टी ने। यही वजह है कि अब जो है इसको कल प्रभावित किया जा सकता है, दूसरे चरण के चुनाव में इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लोकसभा चुनाव के एंड पहले ये डिसीजन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आया है कांग्रेस पार्टी के लिए एक राहत की खबर है और केंद्र सरकार के लिए भाजपा के लिए एक झटका माना जाता है। जी बिल्कुल प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बताते, लोकसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दस्तावेजों को लेकर सरकार की आपत्तियां खारिज हो गई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।